क्या हुआ? हो गया ना, जाओ तुम काम करो अपना। जी। अच्छा बेबी, आज तो मेरा बर्थडे है तो थोड़ा बहुत ड्रिंक तो चलेगा ना, ये लो ना पियो। हाँ मैं ये बोल रही थी, मैंने एक बार वॉशरूम आती हूँ फिर पी लूंगी। अरे बेबी ठंडा है, तुम जितनी देर में आओगी उतनी देर में गर्म हो जाएगा ये, फिर मजा नहीं आएगा, पी लो ना। अरे इतनी जल्दी भी गर्म नहीं होगा, बस एक मिनट में आ जाऊंगी मैं। अच्छा बेबी एक बात तो बताओ, ये जो अभी ड्रिंक्स रख के गया था वो कौन था? अच्छा वो तो नया नौकर है मेरा, वो पुराने वाले को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए उसको हटा दिया मैंने, तो नया वाला आ गया। ठीक तो है ना बंदा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ बहुत अच्छा है, ईमानदारी से अपना काम भी करता है। चलो ठीक है, आप तो ड्रिंक तो पी लो कम से कम। मैं बस अभी वॉशरूम होके आती हूँ। अबे ओए क्या था ये हाथ पे तूने क्यों लिखा है कि इसे मत पीना? मैम साहब वो क्या है कि मैं साहब से आपकी इज्जत बचाना चाहता हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, कुछ भी बोले जा रहा है। मैम साहब आप मेरी बात ना झूठ मत समझना, लेकिन साहब ना रोज अपने बर्थडे का बहाना करके यहाँ पे रोज नई नई लड़कियों को लेके आते हैं और उनके साथ ना गलत काम करते हैं। तू पागल हो गया क्या? तू कुछ भी बोलेगा मैं मान लूंगी? मैम साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और आपको पता है जो साहब का पहले वाला नौकर था ना उसको भी साहब की सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए साहब ने उसको जान से मार दिया, और अब साहब की सारी सच्चाई मुझे भी पता लग गई है। वो क्या है कि जो कोल्ड ड्रिंक साहब आपको पिलाने वाले थे ना उसमें उन्होंने नशे की दवाई मिलाई थी, और अगर आप वो पी ले ना तो वो आपके साथ गंदा काम करते हैं। इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अच्छा अब मैं समझी, तभी वो मुझे अपने घर पर लेकर आया था ताकि मुझे बेहोश करके मेरे साथ वो सब कर सके और मुझे फिर जान से भी मार दे। मैम साहब आप मेरी बात का यकीन कीजिए, साहब हर बार ऐसे ही करते हैं, अपन नई नई लड़कियों को लेके आते हैं उनके साथ गंदा काम करते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। बस मैं तो आपकी जान बचाना चाहता हूँ इसलिए आपको ये सब बताया कि आप यहाँ से भाग जाएं। अब मैं क्या करूँ, कैसे बचूँ इससे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैम साहब आप एक काम करिए, ये लीजिए इसमें ना मैंने नशे की दवाई मिला दी है, जैसे मौका लगे आप साहब को ये सुगा देना और वो बेहोश हो जाएंगे और आप वहाँ से भाग जाना, उसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूँगा, ये लीजिए। तुम तो सच में बहुत अच्छे हो, तुम तो मेरी बहुत मदद कर रहे हो। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है मैम साहब, इससे पहले कि साहब को आपके ऊपर शक हो जाए आप चले जाइए। बहुत टाइम लगा दिया आने में? हाँ वो थोड़ा सा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, ये लो ड्रिंक पी लो। नहीं यार बेबी मेरा ना मन नहीं है बिल्कुल पीने का। क्या यार बेबी तुम इसको वेस्ट करोगी क्या, खास तुम्हारे लिए मंगवाया मैंने ये, को पी के तो देखो बहुत अच्छा है ये। मेरा सच में मन नहीं कर रहा, रहने देते हैं। बेबी थोड़ा सा पी लो ना प्लीज, थोड़ा सा पी लो। नहीं यार मैं नहीं पी रही, ऊपर से देखो ये गर्म हो चुका है बिल्कुल, जाने दो। अब तुम्हारा मन नहीं है तो फोर्स तो नहीं कर सकता ना ज्यादा मैं। अच्छा बेबी आज तो मेरा बर्थडे है तो क्यों ना थोड़ा सा रोमांस करें हम। ये क्या बोल रहे हो तुम, मैंने आज से पहले तो मुझसे ऐसी बात नहीं की। अरे यार बेबी ऐसा क्या बोल दिया मैंने, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो इतना तो हो ही सकता है ना, और ऊपर से मेरा बर्थडे भी है तो थोड़ा सा फन तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा ठीक है। रियली? चलो मैम साहब कहाँ जा रही हैं आप, और साहब को बेहोश कर दिया आपने? हाँ साहब को तो मैंने बेहोश कर दिया, लेकिन ये लॉक क्यों नहीं खुल रहा है? अरे मैम साहब दरवाजा खुलेगा कि कैसे, उसकी चाबी तो मेरे पास है। आपने साहब को बेहोश करके मेरा काम आसान कर दिया मैम साहब, अब मैं देखता हूँ कि आपको मुझसे कौन बचाता है। और रही बात मेरे साहब की, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो कभी किसी लड़की के बारे में गलत सोच ही नहीं सकते। ये सब क्या बोल रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। ये सारी प्लानिंग तो मैं करता हूँ, यहाँ पर जितनी लड़कियाँ आती ना उनके साथ गंदे काम मैं करता हूँ मैम साहब, और अब मैं देखता हूँ कि आपको मुझसे कौन बचाता है। छोड़, देखो ये सब हरकतें मत करो मेरे साथ में, वरना मैं सारी बातें पुलिस को बता दूंगी। ठीक है तो जाओ कर दो कंप्लेंट, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी कंप्लेंट कौन सुनता है। अरे आपसे पहले भी ना यहाँ कितनी लड़कियाँ आई हैं और इसी घर में चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ा उन्होंने, लेकिन उन्हें मुझसे ना कोई नहीं बचा पाया, और अब आपको भी मुझसे कोई नहीं बचा सकता मैम साहब, तो अब आप कैसे जुटा पाएंगे मैम साहब। और रही बात साहब की, तो साहब तो बेहोश हो चुके हैं, तो आपकी भलाई इसी में है, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना
वैसा करो और चलो मेरे साथ। छोड़। चलो।